हेलो दोस्तों, बाजार में अभी काफ़ी अच्छी और फ्रेश गोभी आ रही है, तो आज हम गोभी का इंस्टेंट और झटपट से गर्मा गर्म टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने एक गोभी ली हूँ और अब हम एक कटोरी लेंगे और इसमें एक छोटा चम्मच या आधे चम्मच हल्दी डालेंगे और अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे और इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से चम्मच से हम मिक्स करके साइड में रखेंगे। और अब हम गोभी लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बड़े साइज की एक गोभी ली हूँ और अब हम गोभी को इस तरीके से पलट देंगे और नीचे की तरफ से हम नाइफ या चाकू से इसके बड़े बड़े 2 से 3 फ्लावर कट करेंगे। और आप देख सकते हैं गोभी हमारा बिल्कुल फ्रेश है। गोभी की सब्जियाँ अगर आप खा के बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इस रेसिपी को अगर आप बनाएंगे तो आपके घर के बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है और अगर आपके मेहमान आने वाले हैं तो उसके लिए भी आप इसे हाफ पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। ये जब आपके मेहमान आए तब आप इसे गर्मा गर्म बनाएं। ये खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने गोभी के 4 से 5 कलियाँ तोड़ ली हूँ और अब हम इसके भी छोटे छोटे फ्लावर को इस तरीके से हाथ से या नाइफ से तोड़ करके अलग कर लेंगे, जिससे हमारा रेसिपी बहुत ही इंस्ट या क्विक बनके तैयार हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे गोभी के छोटे छोटे फ्लावर्स को तोड़ के अलग कर ली हूँ और अब हम चलिए इसे धो लेते हैं। इसके लिए यहाँ हम एक पैन लेंगे, पैन में सारे गोभी ऐड करेंगे और अब हम इसके ऊपर वो हल्दी वाला पानी डालेंगे और हल्दी वाला इस तरीके से पानी डालकर पैन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। और अब हम इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करते हुए मिला लेंगे और इसे 1 से 2 बार पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे या धो लेंगे। जब भी आप बाज़ार से गोभी लाते हैं तो वो ऊपर से देखने में बहुत ही सुंदर होता है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। तो आप इस तरीके से हल्दी वाले पानी से गोभी धोएंगे तो आपका गोभी बिल्कुल साफ़ और क्लीन हो जाएगा। और अब हम सेम पैन में ही गोभी डालेंगे और हाफ ग्लास पानी डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार या 1/4 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसे ढक करके 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक गोभी हमारा पक रहा है तब तक हम एक दूसरे बर्तन या पॉट में 3 से 4 चम्मच बेसन डालेंगे। यहाँ मैंने हाफ कप बेसन ली हूँ और अब हम इसमें 1 चम्मच सूजी डालेंगे और बेसन और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें कलर के लिए 1/2 टीस्पून या 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसमें 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने आमचूर पाउडर का यूज़ किया, आप इसकी जगह चाट मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक थिक या गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। और आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें जिससे बैटर हमारा बिल्कुल ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना रहे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक थिक पेस्ट बना के तैयार कर ले। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बिल्कुल लम्स फ्री है। और इस तरीके से हम इसमें और थोड़ा सा पानी डाल करके इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। और आप देख सकते हैं गोभी में हमारे अच्छे से बॉईल हो गए हैं और इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में इस तरीके से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पानी निकाल करके ठंडा होने देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और गोभी भी हमारे ठंडा हो गए हैं। तो गोभी को हम इस तरीके से बैटर में अच्छे से डिप करके इस तरीके से कवर कर लेंगे। और अब हम यहाँ पैन में एक एक करके सारे गोभी के फ्लावर डालेंगे
और आप देख सकते हैं गैस का फ्लेम इस टाइम पे मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे गोभी को हम अच्छे से पलटते हुए सभी तरीके से सेक लेंगे। हमें इसे गोल्डन फ्राई होने तक अच्छे तरीके से पलटते हुए सेकेंगे, जिससे हमारा रेसिपी या नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। और हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है, जिससे नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी भी बनेगा। तो इस तरीके से आप इस गोभी की रेसिपी को बच्चों के लंच बॉक्स में भी बना के डाल सकते हैं। गोभी के इस रेसिपी को आप टी टाइम पे या सुबह का नाश्ते में भी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। तो आप इसे डीप फ्राई की जगह शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं गोभी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। यहाँ मैंने इसे गोल्डन कलर होने तक अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। और अब हम चलिए इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने गोभी के पकौड़े को या गोभी की भजिया को प्लेट में सर्व कर लिया है। तो इस तरीके से आप बनाएं इसे, हरी मिर्च सॉस चटनी किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही टेस्ट और स्वादिष्ट होते हैं। या फिर आप इसे ऐसे ही खाएं, ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट है। तो मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में।